सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगभग सारे सरकारी स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो अभी बंद हो गए हैं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, और अभी आपके पास एक सबसे अच्छा और सुनहरा मौका है आपको अपने असाइनमेंट को कम्प्लीट करने का। उसके लिए आप सभी को असाइनमेंट के आंसर की ज़रूरत है, जो 506 से लेकर के 510 तक आप सभी को जमा करने हैं। हालांकि आंसर आप लोगों को कुछ कुछ इधर उधर मिल सकते हैं, लेकिन आज इसकी वीडियो में मैं आप लोगों को सारे असाइनमेंट यानी 506 से लेकर के 7, 8, 9, 10 सभी के असाइनमेंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना देर के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुर्गा पूजा की छुट्टी में आप सभी अपने अपने असाइनमेंट लिख लें, और इस बार आप अपने असाइनमेंट किसी मार्केट में मिलने वाली बुक से ना लिखें, क्योंकि दोस्तों इस बार हो सकता है NIOS सभी की कॉपी मांगे जांच करने के लिए, क्योंकि पिछली बार जो है कुछ जगहों पे गड़बड़ियां हुई थी और वहाँ पर बिना असाइनमेंट जमा किए ही वहाँ पर नंबर अपलोड कर दिया गया था, इसकी कंप्लेन हुई थी। इस बार फिजिकली आपका जो है असाइनमेंट वेरीफाई होगा, मे बी आपके कॉपी वहाँ पर भेजे जा सकते हैं जाँच करने के लिए, और आप मार्केट में मिलने वाले असाइनमेंट से बचे वो जो रेडीमेड कॉपी आती है उस पर ना लिखें, बल्कि A4 साइज़ के किसी पेपर पे लिखें। उसके लिए आपको ज़रूरत है किसी आंसर की, जो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियो के जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 506 से लेकर के 510 तक के सभी असाइनमेंट का उत्तर है, यानी कि जो साइंस जिन्होंने लिया है और जिन्होंने अदर लिया है उन सब के लिए इसी PDF में आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। ये सत्रीय कार्य का क्वेश्चन भी है दोस्तों, इसमें साथ साथ दिया हुआ है ताकि आप क्वेश्चन के साथ उसका मैच कर लें। इसमें टोटल जो है दोस्तों 84 पेज हैं, 84 पेज में आपके लिए 42 पेज होंगे, क्योंकि इसमें उस क्वेश्चंस का भी आंसर दिया हुआ है जो अथवा वाले प्रश्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक प्रश्न में दो प्रश्न होते हैं, यानी एक प्रश्न दो प्रश्नों में से किसी एक का आंसर देना होता है, तो इसमें एक अथवा प्रश्न होते हैं जिन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसमें दोनों प्रश्न का उत्तर आपको दिया गया है, आपको जो अच्छा लगे जो सुटेबल हो आपके लिए वो प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को हटा देते हैं, उसके बाद आंसर पे आते हैं सीधे। ये सब क्वेश्चन आपको दिया गया है ताकि आप क्वेश्चन से मैच कर लें। तो इसमें 10-15 पेज जो है वही सब क्वेश्चन वाले हैं, और इसका जो आंसर है वो यहाँ से शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब मैं बता दूँ कि ये PDF आपको कैसे मिल गई, ये 506 से शुरू है दोस्तों, जो सीधा 510 पे जाकर के ख़त्म होता है। 506 हैं, उसके बाद इसमें असाइनमेंट 1, 2, 3 के सारे क्वेश्चन हैं, उसके बाद यहाँ पे 507 शुरू हो जाएंगे। आपको नीचे में बता देते हैं कहाँ से शुरू है 507। इसमें आपको टोटल चीज़ एक जगह पे मिल जाएंगे, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दूँ कि ये पाँचों असाइनमेंट यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 असाइनमेंट है, इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, और वो है 75 रुपीज़। दोस्तों, और जगहों पे आपको सिर्फ एक असाइनमेंट के लिए यानी 506 कोर्स के लिए आपको 90 रुपीज़ पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको 506 से लेकर के 510 तक के सभी असाइनमेंट के उत्तर के लिए आपको सिर्फ 75 रुपीज़ पे करने होंगे। उसमें से कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि मुझे सबकी ज़रूरत नहीं है बल्कि अलग अलग मुझे चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग अलग भी लिंक मिल जाएगी, क्योंकि जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे 506, 7, 8, 9, 10 के अलग अलग भी लिंक है, और एक लिंक जो है वो कंबाइंड है जिसमें आपको 75 रुपीज़ पे करने हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक असाइनमेंट को परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि ये 507 है, ये 508 है, ये 509 है, ये 510 है, तो अगर आप अलग अलग परचेज करेंगे तो आपको एक असाइनमेंट के लिए यानी कि एक कोर्स कोड के लिए आपको 25 रुपीज़ पे करने हैं, और अगर आप एक साथ 5 असाइनमेंट लेते हैं तो आपको सिर्फ 75 रुपीज़ पे करने हैं, यानी कि आपको 50 रुपये की टोटल बचत हो जाएगी। 75 रुपीज़ पे करके आप अपने सारे असाइनमेंट को डाउनलोड कर लें। ये एक PDF फाइल है जो आपके मोबाइल में ही बड़े आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 507 ऑल असाइनमेंट सॉल्व आंसर विद PDF। अगर आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 507 की लिंक मिलेगी, जो आपके लिए हो 507 के लिए होगा, जिसमें आपको असाइनमेंट 1 के दोनों आंसर, असाइनमेंट 2 के दोनों आंसर और 3 के दोनों आंसर, हालांकि इसमें और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं अथवा वाले उन सभी का आंसर इसमें दिया हुआ है। 500 वर्ड्स में है ये
असाइनमेंट 3 में 1000 वर्ड्स में है, ये आपको ₹25 पे करने होंगे तब आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि आप सभी का एक साथ डाउनलोड कर लें तो आपको आना पड़ेगा दोस्तों इस वाले लिंक पे, जो 506 से लेकर के 510 तक सब आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। इसमें आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर देना जरूरी है, ताकि अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इस पर कॉन्टैक्ट किया जा सके। इसके लिए आप यहाँ पर नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप ₹75 का पेमेंट करेंगे, चाहे डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या जिस भी तरह से आप करना चाहते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का। उसके बाद आपको इसकी लिंक मिल जाएगी आपके मोबाइल स्क्रीन पे, और वहाँ पे आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारे PDF फाइल एक साथ आपको मिल जाएंगे। इसमें अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर जो सक्षम नहीं है ₹75 पे करने में, तो वो चाहते हैं कि अलग अलग हम डाउनलोड करें, उनको जिसकी ज़रूरत है वही डाउनलोड करें। 506 का मिल गया तो 7 डाउनलोड कर ले, 7 का मिल गया तो 8 डाउनलोड कर ले, 8 का मिल गया तो 9 डाउनलोड कर ले। तो इस तरीके से आपको अलग अलग लिंक मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जो आपको ज़रूरत है PDF आंसर की वो डाउनलोड कर ले। और एक बार इसी दुर्गा पूजा में दोस्तों आप सारे असाइनमेंट लिख लें, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद सारे स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट कलेक्ट किए जाएंगे। और इसकी जो आखिरी तारीख है वो बिहार स्टेट में 30 नवंबर तक मार्क्स अपलोड कर देने हैं। मार्क्स अपलोड करने की तारीख यहाँ पे 30 अक्टूबर है, सॉरी दोस्तों 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर का आप वेट नहीं करेंगे, क्योंकि 30 अक्टूबर स्टडी सेंटर के लिए दिया गया है ताकि वो असाइनमेंट का मार्क्स अपलोड कर दे। तो जब आप उसके पास असाइनमेंट जमा करेंगे तभी तो आपका मार्क्स अपलोड होगा। यानी कि आपको 30 अक्टूबर से पहले पहले स्टडी सेंटर पर सारे असाइनमेंट जमा कर देने हैं। 506, 7, 8 और 9 या 10 में से किसी एक विषय का, जिन्होंने साइंस लिया है उनको 510 का असाइनमेंट जमा करना है, जिन्होंने अदर लिया है उनको 509 का असाइनमेंट जमा करना है। और इसके अलावा आपको किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम है NIVS से जुड़ी हुई, DLED कोर्स से जुड़ी हुई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, या कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं, या फिर कोई भी सवाल जो आपके DLED कोर्स से जुड़ा हुआ हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे की सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको मिलती रहे आपके मोबाइल पे। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।